मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जनपद पंचायत जवा की ग्राम पंचायत सोहावल खुर्द के पूर्व सरपंच द्वारा गुड़हई टोला स्थित हनुमान कोल के घर में नथई कोल के घर तक 95 मीटर पीसीसी निर्माण की राशि को निकालकर अमानत में खयानत करने के उद्देश्य से गमन कर लिया गया। धरातल में पीसीसी नहीं बना है, इसी तरह गुड़हई टोला में नाली निर्माण के नाम पर राशि निकालकर गमन कर लिया गया है, किंतु नाली कहीं भी नजर नहीं आती। इसी तरह पंचायत भवन निर्माण की मंजूर 20 लाख रुपए में आधा अधूरा काम कराया गया है। अंदर छपाई नहीं की गई, खिड़की दरवाजा नहीं लगाया गया, आधे पंचायत भवन में छत नहीं पड़ा है। पंचायत भवन के सामने चबूतरा का निर्माण नहीं हुआ है, अत्यंत घटिया किस्म की ईंटों का उपयोग किया गया है। पंचायत भवन निर्धारित समय से पहले ध्वस्त हो सकता है। अगर उपयंत्री द्वारा इस कार्यों का मूल्यांकन किया गया है तो उपयंत्री भी बराबर का दोषी है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा तथा कलेक्टर रीवा का ध्यान आकृष्ट कराते हुए स्थानीय लोगों ने मामले की जांच करके अमानत में खयानत का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। ये आपका घर है सामने जी, जहाँ यहाँ से लेकर के आप घर से जी और नथई कोल के घर तक जी पीसीसी एवं नाली निर्माण का पैसा निकला है ग्राम पंचायत से जी, तो यहाँ बन तो कहीं नहीं दिख रहा है, बनी है कि नहीं बनी पीसीसी? हाँ, पीसीसी नहीं बनी है। नाली नहीं बनी है, कहाँ बनी है? पूरे मतलब की सोहावल खुर्द में जितना 8-9 टोला हो था तो कहाँ काम किया है? अच्छा, थोड़ा तेज ग्राम पंचायत का नाम सोहावल खुर्द। आपका घर कौन सा है? ये क्या ना, तो आपके घर से लेकर के हनुमान के घर से लेकर के नथई कोल के घर तक पीसीसी निर्माण का पैसा निकला है, नाली निर्माण का जी सर, तो क्या बना है? नहीं, कभी आप नहीं बनवाए? नहीं। आपका नाम? बाबूलाल। पिता का नाम? सुग्रीव। आपका घर कौन सा है? हनुमान कोल के घर से लेकर नथई कोल के घर तक पीसीसी और नाली निर्माण का पैसा निकला है, तो घर बना तो नहीं है? यही है ना हनुमान, यही रोड है ना? हाँ, यही रोड है। मतलब फर्जी पैसा निकाल के का सरपंच से अपना बता कहे हैं? नहीं, हम तो नहीं कहा, हम भाई पब्लिक कहा ना, आप लोग नहीं जानते हमका पता नहीं, ग्राम सभा में जाते नहीं बतावत रहे कबो नहीं।